जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? ये नफरत का देश नहीं है, आप सब जानते हो। आपके दिल में, हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है, मोहब्बत है, प्यार है, एक दूसरे का आदर है। तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है? भाई और बहनों, नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याय है। अन्याय युवाओं के खिलाफ, अन्याय आप सबके खिलाफ, अन्याय किसानों के खिलाफ, अन्याय सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय। प्रधानमंत्री जी 2-3 बड़े अरबपतियों के लिए काम करते हैं, 2-3 लोगों के लिए काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया? हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया? इसीलिए देश में नफरत फैल रही है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने छोटे व्यापारियों को, किसानों को, स्मॉल और मीडियम वाले बिजनेसेस को नष्ट कर दिया है। एक तरफ नोटबंदी की, दूसरी तरफ जीएसटी लागू की। नतीजा यह हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, उन सब का काम बंद हो गया। जहां भी देखो, बड़े 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 उद्योगपतियों की मोनोपोली बन रही है। एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सारे की सारी नरेंद्र मोदी जी ने एक उद्योगपति को पकड़ा दी। आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं? कितनी आबादी है पिछड़ी जात की? 50% दलितों की कितनी आबादी है? 15% आदिवासियों की कितनी आबादी है? 8% कितनी बनती है भाई? कितनी होती है? 73-73%। अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला। उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े इनके जो पत्रकार है उनकी लिस्ट निकालिए, आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है। उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, स्कूल और कॉलेज जो चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 73% का कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हिंदुस्तान को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, आईएएस वाले, उनकी लिस्ट निकालिए, उधर आपको 3 पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे, 3 दलित मिलेंगे और 1 आदिवासी मिलेगा। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होते हैं, तो 73% की 6% की 6 रुपए की भागीदारी बनती है। तो
ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी जोड़ लो। इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले क्या होता था, पहले पब्लिक सेक्टर होता था, उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था, नौकरी मिल जाती थी, सरकार में रोजगार मिल जाता था, जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किया, कर्नाटक में, तेलंगाना में हम कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेना में आप जाते थे वहां अग्निवीर लागू कर दिया। अब देखना, अग्निवीर लागू किया और अग्निवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गांव में शहर में आदर मिलेगा। दूसरा शहीद होगा, अग्निवीर होगा, वो शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी। एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद्र मोदी 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने खड़े करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा आप जानते हो। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि लालू जी को बोलना है। ये देखो, लालू जी को बोलना है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। हम लोग बीजेपी से, आरएसएस से नहीं डरते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम बीजेपी को, आरएसएस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।